पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुल्ला खास में नाबालिग लड़की की शादी कराने का मामला सामने आया है, जिसके बाद चाइल्डलाइन के कर्मचारियों ने कस्बा थाना एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहयोग से शादी को रुकवाने का काम किया। मामा ने चाइल्डलाइन को शिकायत कर मामले की पूरी जानकारी दी। उक्त मामले में कस्बा चाइल्डलाइन उपकेंद्र के समन्वयक जय कृष्ण गुरुंग ने कस्बा प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ताती को 14 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी रुकवाने के लिए आवेदन दिया। आवेदन में उन्होंने लिखा कि 14 वर्षीय ज्योति कुमारी इनके पिता नरेश मंडल एवं माता स्वर्गीय रेखा देवी है। यह कुल्ला खास वार्ड नंबर 4 गांधीनगर की रहने वाली है। नरेश मंडल अपनी नाबालिग बेटी ज्योति कुमारी का शादी करवाना चाहते हैं। वहीं छात्रा ज्योति कुमारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनके मामा उनकी शादी पूर्णिया जिले के कुल्ला बाग में उम्रदराज लड़के से करवा रहे थे और वहां दहेज के नाम पर रुपये के लेन देन का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद वे शादी करने से इनकार कर गई थी। इसके बाद लड़की के माता पिता ने कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुम्हरी में ज्योति की शादी तय कर दी, जहां घर के लोग शादी के लिए सारी तैयारी भी पूरी कर ली थी। जब ज्योति के मामा को पता चला तो मामा ने सीधे चाइल्डलाइन को नाबालिग लड़की की शादी की सूचना दे डाली। चाइल्डलाइन के कर्मचारियों ने शादी को रोकने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना को इसकी सूचना दी। वहीं आवेदन मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ताती ने आश्वासन देते हुए नाबालिग ज्योति के घर जाकर जांच पड़ताल भी की और उसके बाद कार्रवाई करने की बातें कह रही है। वहाँ शादी करा रहे थे तो वहाँ पे नाबालिग नहीं थी, यहाँ करा रहे हैं जब तो यहाँ नाबालिग है। वहाँ ज्यादा उम्र के लड़के से करा रहे थे तब नहीं थी नाबालिग में, यहाँ जब करा रहे हैं ठीक ठाक लड़का देख के तो यहाँ नाबालिग हो गई मैं उनके लिए, है ना। तो तुम्हारे तो आधार कार्ड बता रहा ना तुम नाबालिग हो, तो वहाँ पे जब जबरदस्ती कर तो वहाँ क्यों नहीं लेके आए लोग पुलिस और मीडिया। कौन करा रहे थे शादी? मामा मामी। क्या नाम है मामा का? मामा का नाम अजय मंडल, मामी का नाम पिंकी देवी। किस क्लास में पढ़ती है? 9th। तो ये शादी कानूनन अपराध है ना? वहाँ पे उस टाइम क्यों नहीं आया, वहाँ भी तो कानून था। वहाँ से अगर उस टाइम मुझे अगर नहीं लाते लोग लड़ झगड़ के तो वहाँ तो हो जाता जबरदस्ती, वहाँ कौन बचाता उस टाइम मुझे। यहाँ पे जब अच्छा देख के करा रहा है मान रहा है तो यहाँ पे लोग के लिए गुनाह हो गया, वहाँ जबरदस्ती करा रहे तो खराब हो गया उन लोग के लिए। पहले कहाँ बातचीत हो रही थी? पहले वहाँ गुलाबबाग में। अच्छा, अभी कहाँ हो रही है? अभी कुमरी में। क्या कारण है वहाँ तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया? वहाँ पे लड़का ज्यादा उम्र था, पैसा मांग रहा था, घर द्वार कुछ अच्छा नहीं मतलब पसंद नहीं था मुझे और उम्र बहुत ज्यादा था इस लड़का का। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ सब कुछ ठीक है, एजो ठीक है, लड़को ठीक है, घरों द्वार ठीक है। तुम्हारा उम्र तो कम है ना, पढ़ने का उम्र है अभी? अभी अब दिक्कत है तो हो रहा, वहाँ भी तो फिर पढ़ने के लिए बोली, वहाँ भी वो लोग करा जबरदस्ती, फिर यहाँ मुझे ठीक लगा था, हमें कर यहाँ बोला पढ़ाएंगे भी वो लोग। तुम तैयार हो? हाँ, पढ़ाएंगे वो लोग जब बोला इसलिए। लेकिन ये तो यहाँ या वहाँ से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि कम उम्र में सरकार ने कानून बनाया है, कम उम्र में शादी नहीं कर सकते, ये कानूनन अपराध है, इस पे क्या कहना है? इस पे कुछ नहीं कहना। शादी होगी? हाँ। इसका पापा करा रहा है। पापा करा रहा है। किस क्लास में पढ़ती है? कहाँ पहुँचे? 9th क्लास में। इसका उम्र कितना होगा? आधार कार्ड में कितना उम्र होगा? 14 साल। नाबालिग है ना, तो नाबालिग लड़की का शादी कराना तो अपराध है ना। अब इतना बड़ा अपराध क्यों कर रहे हैं? क्यों शादी कराना चाह रहे हैं? क्या कारण है? बोलिए, पहले आप बोलिए ना। इसका मामा करा रहा था शादी। अच्छा, बोलने दीजिए। इसका मामा करा रहा था तो नहीं शादी, तो मामा करा रहा था वो मतलब इसका पापा बोला कि उम्र ज्यादा था लड़का, तो वहाँ मना कर दिया था, इसका पापा तब इधर लगाया। पहले 15,000, फिर 20-40,000, फिर 80 और फिर लाखों। अगर आपको भी ऐसी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है, स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग में बिजनेस बढ़ाना है, तो जुड़िए एएसपी ट्रेडर के टेलीग्राम चैनल से, जहां इनकी टीम देंगी फ्री टिप्स, डीमैट, टेक्निकल एनालिसिस एंड लाइव मार्केटिंग कॉलिंग सपोर्ट एटसेट्रा। दे आल्सो गॉट बेस्ट एडवाइजरी एंड कस्टमर्स गुड फीडबैक फॉर दैट गुड वर्क। इसलिए अभी जुड़िए एएसपी ट्रेडर से, कॉल 8409073698 फॉर एनी डिटेल।